मैं हूँ अभी मणिकर्णिका घाट पे, और मणिकर्णिका घाट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे माता पार्वती का कर्ण कुंडल गिरा हुआ था, तो जिसको ना शंकर भगवान ने ढूंढा था, तो इसलिए इसको मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। और दूसरा, ये घाट ना कहते हैं सबसे बड़ा शमशान घाट है, मतलब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शमशान घाट है। इस घाट पे हमेशा क्या बोलते हैं उसको, शवदाह संस्कार हमेशा होता रहता है, मतलब 24 घंटे। कहते हैं इस घाट पे कभी भी शव की आग, मतलब किसी भी चिता की आग ठंडी नहीं होती है, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में चिता जलती ही रहती है, मतलब सबसे बड़ा शमशान घाट भी बोलते हैं। और काशी में कहते हैं लोग ना मोक्ष के लिए आते हैं, मतलब जो काशी में रहते हैं, जो काशी के हैं, वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं ही, मतलब बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं, स्वयं शंकर भगवान का घर है ये एक तरह से। और जो यहाँ पे मरता है, मतलब जिसकी मृत्यु होती है यहाँ पे, तो उसको भी मतलब उसको ना सीधे मोक्ष मिलता है, ऐसा कहते हैं, उसको सीधा मुक्ति मिलती है। और हाँ, इसी घाट पे आ करके ना भगवान राम ने अपने पिता का पिंड पारा था, मतलब पहला उन्होंने जो पिंड पारना होता है, मतलब अपने पूर्वजों को तारना होता है एक तरह से, कोई यज्ञ पूजा वगैरह होती है, तो वो उन्होंने पहला किया था प्रयाग में, जो मैंने वीडियो बनाया है अच्छा वट वहाँ पे, पहले वहाँ से गंगा नदी बहती थी, तो पहला उन्होंने वहाँ किया था, दूसरा उन्होंने किया था काशी में, और तीसरा उन्होंने किया था गया में, तो राजा दशरथ को मुक्ति हुई थी। तो अभी मैं उसी घाट पे हूँ, ये मणिकर्णिका घाट है, देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे इतने सारे मंदिर और ये घाट बने हुए हैं। तो ये है मणिकर्णिका का, मणिकर्णिका घाट का मेन द्वार, और ये देख सकते हैं क्योंकि ये एक महाशमशान घाट है, तो मतलब ये देखिए लकड़ियों का कितने ऊंचे ऊंचे बंडल रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ शवदाह संस्कार होता है, इसलिए चलिए दिखाते हैं। घाट की विशेषता और जीवन की अंतिम सच्चाई, मतलब यही है कि हर इंसान को एक ना एक दिन ना मतलब इस दुनिया से अलविदा होकर के जाना ही पड़ता है, मतलब इस दुनिया को अलविदा कहना ही पड़ता है लिटरली। यार यहाँ पे आ करके ना, मतलब मुझे जैसी फीलिंग आ रही वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है यहाँ की सच्चाई मणिकर्णिका घाट की, और मतलब जीवन की भी अंतिम सच्चाई कह सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना, मतलब मन दिल और आत्मा कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इंसान को ना हमेशा बहुत अच्छे से प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है ना वो सारा यही छूट जाता है, जैसे कर्म होते हैं ना, मतलब सिर्फ वही साथ जाता है। ऐसा सब लोग बोलते हैं, मैं शायद ना बता पाऊँ उतना अच्छे से क्योंकि मैं एबल भी नहीं हूँ, मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन यार सच में मतलब इस सबको देख करके ना कैसी फीलिंग्स आती है कि बस इस धरती पे हमने जन्म लिया था, वो दिन याद आता है जिस दिन हमें कुछ नहीं पता होता है, हम
हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता है, मतलब अगर किसी ने पाल पोस के बड़ा कर दिया तो बड़े हो गए, और अगर उसी वक्त किसी ने हमको मरने के लिए छोड़ दिया तो शायद हम मर भी जाएंगे। और एक ये दिन है उन सारे दिनों के बाद में कि हमको मतलब इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, मतलब हमें हमारे माँ बाप इतने अच्छे मिले जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, किसी लायक बनाया, कुछ किया हमने जीवन में अच्छा बुरा जैसा जो भी कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक दिन जाना ही पड़ता है यहाँ से। तो ये देखिए ये लोग ना मतलब डेड बॉडी को लेकर के जा रहे हैं अंतिम जो होता है मतलब अग्नि दान के लिए, अग्नि वगैरह के लिए, है ना। तो यार ये जीवन का एक बहुत बड़ा और आखिरी सच है, मुझे लगता है इंसान को प्रेम से हंसी खुशी रहना चाहिए। तो ये है मणिकर्णिका घाट की ओरिजिनलिटी और हम इंसानों की भी ओरिजिनलिटी। तो चलिए चलते हैं अब आप लोगों को लेकर के कहीं और। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लोग यहाँ पर अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसको मतलब मोक्ष का घाट बोलते हैं, मतलब यहाँ जिसकी मृत्यु होती है, यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है, ऐसा कहते हैं कि उसको सीधा मोक्ष मिलता है, सीधा मुक्ति मिलती है। और ये इसीलिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शमशान घाट भी है। कुछ क्या है भैया, किसी से तो मैं अभी हूँ मणिकर्णिका घाट पे, और यहाँ के ये हैं डोम राजा, मतलब इन आप लोगों को ही ये चिता वगैरह को, हमारे डोम राजा के परिवार को आग देने की अनुमति है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से आग देते हुए हम लोग का यही कार्य है, शव को आग देते हैं और बाड़ी जलाते हैं, यही कार्य है। तो मतलब इन लोगों को मतलब कह सकते हैं कि इन लोगों की जो रोज़ी रोटी है, किसी की रोज़ी रोटी कैसे भी चलती है, कोई काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई नौकरी करता है सरकारी तो प्राइवेट, लेकिन इन लोगों की रोज़ी रोटी मतलब किसी की चिता को आग दे करके ही इन लोगों के घर की रोज़ी रोटी चलती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा भगवान शंकर से आप लोगों को वरदान प्राप्त है, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, शंकर भगवान को वरदान मिला है, मतलब जो यहाँ के हम लोग डोम राजा जो हरिचंद थे ना, हरिचंद, हाँ हरिचंद को हम लोग हम लोग के यहाँ काम करते थे। तो जो उनकी जब उनकी पत्नी मर गई थी तारामती जी, तो उनके बेटे जो रोहित मर गए थे ना, तो उन्हीं का हम लोग कर लिए थे ना, उनका आचल लिए थे। तभी से हम लोग का परंपरा है, चला आ रहा है कि कोई भी यहाँ पे आता है तो कर देता है और उनको हम लोग अग्नि देते हैं। कर देने के बाद ही अग्नि देते हैं, ऐसे नहीं देते। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। शमशान घाट पे मतलब लोगों को पता हो नहीं पता हो ये बात, लेकिन हरिश्चंद्र की कहानी तो हर किसी को पता है कि वो इतने सत्यवादी थे कि जब उनकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी से अपने बेटे की मृत्यु का भी कर लिया था, जब उन्होंने अपने साड़ी का आँचल फाड़ करके दिया था तब उन्होंने उसको मतलब वहाँ पे जलाने के लिए या बहाने के लिए अनुमति दी थी। ये तो सही बात है। तो अच्छा, अभी कर के रूप में आप लोग क्या लेते हैं? अभी हम लोग का कर 501 रुपए है। 501 रुपए है ना, मतलब जितनी भी डेड बॉडी आती है, हर डेड बॉडी से एक डेड बॉडी का 500, एक डेड बॉडी का 501 रुपए। अच्छा, इस घाट पे मतलब लगभग कितनी बॉडी जल जाती होगी एक दिन में? इस समय तो कम है, लेकिन 250-300-200 के लगभग जाती है। अच्छा, 250-300-200 के लगभग मतलब जाती है ना हर दिन, तो इसीलिए इसको महाशमशान घाट कहते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, और क्या मतलब इस घाट की विशेषता है या फिर इस शमशान घाट की विशेषता है? वैसे घाट तो ये मणिकर्णिका घाट है, गुरा पार्वती का कुंडल गिर गया था। हाँ, मनी। अच्छा, तभी से इस घाट का मणिकर्णिका घाट नाम है, मणिकर्णिका घाट नाम है ना, क्योंकि मनी कुंडल का नाम था और कणिका बोलते हैं कान को, तो उनके कान का मतलब, ऐसा मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं लेकिन हाँ मैंने भी पढ़ा है या सुना है किसी से तो इसलिए मैं बता रही हूँ, तो उनके कान का कुंडल गिर गया था जिसकी वजह से इसको बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। और ये ऐसा मैंने सुना है कि माता पार्वती का भी यहाँ पे दाह संस्कार हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो इसको महाशमशान इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब सिर्फ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, ठंडी नहीं होती यहाँ, 24 आवर्स मतलब बॉडी जलती रहती है, 24 आवर्स बॉडी जलती रहती है। तो मतलब यहाँ 24 आवर्स बॉडी जलती रहती है, इसलिए इसको महाशमशान घाट कहते हैं। अच्छा, तो अभी मतलब कितनी पीढ़ियाँ आप ही काम कर चुकी होंगी लगभग? कोई अंदाजा नहीं, अंदाजा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अब तो आप लोगों का खानदान काफ़ी बड़ा हो गया होगा, बहुत सारे लोग काम करते होंगे यहाँ पे, खानदान बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, हर घाट पे हमारे लोग का खानदान रहते हैं। अच्छा, हर घाट पे है ना,
तो अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे इस घाट पे कितने लोग काम कर रहे हैं आपके खानदान से? हमारे अभी 50 से 60। अच्छा, 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई दूसरा काम? दूसरा कोई काम नहीं करता, जो पढ़े होते हैं वो दूसरा काम करते हैं, सरकारी और कार्य नौकरी करते हैं, जो नहीं पढ़े होते तो यही काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दूसरा काम कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हाँ, क्योंकि बैठ के यहाँ पे अग्नि का पैसा मिलता है और सही बात है, पढ़ के जॉब करने से बहुत मेहनत लगता है, मेहनत लगता है, ऐसा फील करते हैं, फील करते हैं। नहीं नहीं, वो सही बात है। देखिए, एक ये कह सकते हैं खानदानी परंपरा है, तो वो दिमाग में सेट हो गई है आप लोगों के, खुद से अपने को राजा समझते हैं। हाँ, तो उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही बात है। इसीलिए सब यहाँ पे राजा जब हैं तो क्या करेंगे, तो मतलब वो एक लग गया है दिमाग में, ऐसा फील हो गया है कि नहीं, हमको बैठ के पैसे कमाने हैं, तो ऐसा है इन लोगों का। तो अच्छा, आप लोग काशी करवट जो है, क्योंकि मऊ के ही रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और पहली बार मैं जिंदगी में 54 बरस उम्र हुआ मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा, और काशी करवट के विषय में सुनता था, मतलब 54 वर्ष में पहली बार आए हैं। पहली बार यहाँ पर, बनारस में तो आए हैं काशी, लेकिन यहाँ पर घाट पर मैं मणिकर्णिका घाट पर नहीं आए थे। अच्छा अच्छा, और काशी करवट जो वहाँ पर हैं शायद वही हैं कि कौन है, असली नहीं है वो, असली नहीं, असली नहीं है, काशी करवट, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल, काशी विश्वनाथ मंदिर के तरफ बगल में, मैं समझा का कम से कम 200 लोगों ने कहा कि यही है काशी करवट, तारकेश्वर मंदिर है। अच्छा, ये तारकेश्वर मंदिर है। हाँ, क्योंकि मैं बोलते हैं कि हाँ, मैं जाकर अंदर भी देखा हूँ, करवट है, करवट है, लेकिन मैं यही समझ कर चरण स्पर्श भी किया, ठीक है कोई भी देवता ही है, लेकिन असली तो उधर शायद है, चूंकि तुम लोग यहाँ के रहने वाले हो, तो कहा जाता है कि जब यहाँ पे शिव भगवान भोलेनाथ यहाँ से तो अंडे कर रहे थे, तो उसी समय का ये टेढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ऐसा माना जाता है। हाँ, हाँ। तो नहीं नहीं, हाँ देखिए, देखा तो किसी ने भी नहीं होगा, है ना? हाँ, ये तो सिर्फ हमारी पौराणिक बातें हैं, पौराणिक कथाएं हैं, जिनको हम सुन सकते हैं और उनको हम महसूस कर सकते हैं, बस देखने के लिए तो कोई आज के टाइम पे ऐसा बैठा ही नहीं है जो इस बात को बोल दे कि नहीं हाँ हमने देखा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक कुछ शब्द भी कहना चाहते हैं, मऊ से इनका कोरोना काल में थोड़ा रोजी रोटी में ब्राह्मण है, कोरोना काल नहीं, ये धार्मिक मान्यता है कि काशी में जो है मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती जी, है जी, 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 और गंगा में दाह संस्कार करने से, अस्थियों को छोड़ने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है जी, जी, और इस मोदी ये मोदी के युग में जो है, और ये जो है धर्म का और प्रचार प्रसार हो रहा है और तमाम तरह का सुधार हो रहा है, ये अच्छे कार्य हो रहे हैं। कोरोना काल में तो सबका जीवन चौपट हो गया है, चाहे सरकार हो या जनता हो, ये भी सारे लोग रोजी रोटी जा रही है, सारे लोग परेशान है, रोजी रोटी तो मारी ही जा रही है, तमाम तरह की समस्याएं हो ही रही है। मैं इतना डर गया हूं कि मास्क अभी भी पहनना, धीरे धीरे गाड़ी जो है पटरी पर आ ही जाएगी, नहीं पहनना है धीरे धीरे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब इन सब लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतना अच्छा मतलब रिव्यू दिया, यहाँ का इतना सब कुछ जानकारी दी, शायद आप लोगों को समझ आई हो, पसंद आई हो, और जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएगा आप लोग मुझे, और सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम।